नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। आज हमारे साथ हैं रघुपति दास जी, जो हिंगोनिया गौशाला में अपनी सेवा देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुपति दास जी। आप हमें बताएं कि पहले, जैसे हमें पता है कि नगर निगम जयपुर के अंडर में ही हिंगोनिया गौशाला आती थी, कौन से सन से आप लोगों ने आपके अंडर में आई और तब से सेवा स्टार्ट हुई यहाँ पे? तो जैसे ईयर 2004 से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसा विचार किया कि आने वाले समय में शहर में जो बेसहारा गोवंश है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा करनी है। तो उसको देखते हुए हिंगोनिया कानोता का ये हिंगोनिया गांव है जहां पे नगर निगम ने ये गो पुनर्वास केंद्र बनाया, और 2004 से 2016 तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद इसको संचालित कर रहा था। समय के साथ साथ यहाँ पर गायों की संख्या भी बढ़ती रही, और जैसे हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक लोग हैं, वो अपना एक्सपर्ट, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट उधर सेवाएं दे सकता है। अच्छा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में यहाँ पे बहुत से ऐसे कुछ, हम सब ने नेशनल न्यूज़ में देखा, बहुत कुछ आया कि यहाँ पे साफ सफाई करा, गोवंश की जो मृत्यु दर थी उसको लेके भी यहाँ प्रश्न उठे। तो वो एक ऐसा समय था जहाँ पे राजस्थान सरकार ने और नगर निगम ने कोलैबोरेटिव डिसाइड किया कि किसी एक समाजसेवी संस्था को ये कार्य दिया जाएगा, क्योंकि वो समाजसेवी संस्था समर्पित ही इसी काम के लिए होती है। तो उसको देखते हुए ये सन 2016 में अपना हरे कृष्णा मूवमेंट यहाँ पे आया, नगर निगम के साथ हमारा अनुबंध हुआ, और फिर उसके 6 महीने के उपरांत हम लोगों ने इस हरे कृष्णा मूवमेंट के इस उद्देश्य के लिए, गो सेवा के उद्देश्य। अच्छा, हरे कृष्णा मूवमेंट में क्या क्या, जैसे कि मंदिर से? हरे कृष्णा मूवमेंट पूरा एक इस्कॉन का एक पार्ट है, जिसमें जितने भी भगवद गीता संबंधित और श्रीमद् भागवत संबंधित जितने भी हमारे अध्यात्म के प्रचार प्रसार हैं, सामाजिक सेवाएं हैं, जैसे हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं अक्षयपात के माध्यम से, और हम लोग यूथ की क्लासेस लेते हैं, जगतपुरा में अपना कृष्ण बलराम जी का मंदिर है। तो जब ये उद्देश्य की आया कि अब हम लोग को गो सेवा के क्षेत्र में भी सेवाएं देनी है, तो उसके लिए श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट एक बनाया गया। नहीं, जो उद्देश्य आया है कि ये जब नगर निगम की जो आप बात कर रहे हैं 2016 में हम लगा रहे, तो ये उद्देश्य पहले ही था या फिर बाद में जब बात हुई? हाँ, जब उद्देश्य आया उससे पहले भी हम लोग गो सेवा कर रहे थे, और अपने पास आज भी हरे कृष्णा मूवमेंट की भारत की जो विभिन्न शाखाएं हैं उन सब शाखाओं को अगर हम सम्मिलित करेंगे तो 7-8 हजार गोवंशी सेवाएं हरे कृष्णा मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जब ये, क्योंकि अगर हम बात करें जो आप हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र है, ये जगतपुर हरे कृष्णा मूवमेंट केंद्र से 12 किलोमीटर दूर पे है। तो जब उस समय ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पे ये हम सबको भी अवगत हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे इतनी गोवंश एक साथ रहते हैं, उस समय यहाँ पे 6000 गोवंश थे, तो जितने भी भक्तों थे सबके मन की इच्छा प्रकट हुई, क्यों ना हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम भगवान कृष्ण के आराध्य हैं, भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, तो क्यों ना हम लोग स्वयं जाके गवर्नमेंट से बात करें। भगवान कृष्ण को तो खुद भगवान कृष्ण गौ माता सबसे प्रसन्न है, सबसे प्रिय है, उनको गोविंद कहा जाता है, तो क्यों ना हम लोग करें। तो उसको देखते हुए फिर हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी अप्रोच किया, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी इच्छुक थी कि कोई ऐसी संस्थाएं आए, तो तब से हम लोग यहाँ पे गोवंश की सेवा। 2016 में 6000 जो आप बता रहे हैं गोवंश थी उस टाइम, और अब 2024 चल रहा है, उसमें कितनी समय के साथ साथ और सेवाओं को देखते हुए भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से, गौ माता की कृपा से अभी वर्तमान में 18000 गोवंश की यहाँ सेवाएं चल रही हैं, और 18000 गोवंश की सेवा करने के लिए 320 और 350 के बीच गो सेवक हैं जो पूरी यहाँ पे सेवाएं देख रहे हैं। और जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि 2016 में जब यहाँ पे 6000 गौ माताओं की सेवा चल रही थी, तब भी 400 के आसपास गोपालक गो सेवक थे, आज 18000 गौ माताओं की सेवा चल रही है। तो आज यहाँ पे, तो वो जो 2016 से जो पहले गो सेवा चल रही थी, 2016 के बाद जो गो सेवा चल रही है, उसमें आपको, जब आप भी कई सालों से जुड़े हुए हैं, क्या अपने को देखने को चेंजेस मिले इसमें, ऐसा क्या चेंजेस किया आप लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद हाँ, जो अगर हम सब बहुत वाकिफ हैं कि प्रशासनिक कार्य कैसे होता है, तो वहाँ का फाइल सिस्टम है, तो उन सब में डिसीजन ऑन द टाइम नहीं ले पा रहे थे। तो जब से समाज सेवी संस्था अपनी आई, अपने कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट हम लोग यहाँ पे आए, तो हम लोग को नगर निगम की तरफ से इस लेवल की इंडिपेंडेंसी मिली हुई है कि हम कोई भी डिसीजन अपने स्वयं ले सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग को कभी भी कोई भी गायों को, मान लीजिए किसी गाय के बाड़े में मिट्टी डालनी है या हमको वहाँ पे कोई रिनोवेशन का काम करना है, तो इमीडिएट
भामाशाहों की मदद से हम उस काम को करा सके। अच्छा, आप लोग खुद करा सकते हैं गवर्नमेंट की? हाँ, तो उस समय जो ज़्यादातर 2016 में जो हम लोग ने सुना था कि या पेपर में पढ़ा था या न्यूज़ में देखा था कि बाड़ों से गोबर को उठाने का कीचड़ थे बाड़े में, क्योंकि इतने ज़्यादा बाड़े उसमें बाड़े, क्योंकि क्या है कीचड़ में गाय एक ऐसा हमारा धरती में एक ऐसा जीव है भगवान ने बनाया जो शुद्धता मांगता है, जो साफ सफाई में रहना पसंद करता है। तो उस कंडीशन में जब कीचड़ थे तो गाय दिन भर खड़ी रहती थी, खड़ी रहेगी तो वीक हो जाती थी, जब वो बैठ जाती तो कीचड़ में फिर खड़ी उठ नहीं पाती थी, तो फिर धीरे धीरे उसके लाइफ के साथ उसके बॉडी के साथ इन्फेक्शन आना और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। तो 2016 में आते ही सबसे पहले जब हम लोगों ने इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया तो भामाशाहों की मदद से यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 80% जितने भी गोवंश गो, गो, गो बाड़ा है, बाड़े गो बाड़े, जो तो बाड़े। वहाँ पे 80% बाड़ों में ब्रिक फ्लोरिंग कर दी है। अच्छा, ब्रिक फ्लोरिंग से ये फायदा होता है कि गोबर उठाने में हमको मिट्टी नहीं जाती उसमें। अच्छा। पहले क्या हो रहा था कि जब हम गोबर उठाते थे तो उसके साथ साथ मिट्टी भी आती थी, तो बाड़ा धीरे धीरे गड्ढा होता जाता। अच्छा, मतलब देखे जाए तो मतलब जो मिट्टी उठाते तो गोबर होता, जेसीबी से उठाते तो गड्ढा होता जाता था, तो फिर बाद में पास मिट्टी भरो वहाँ पे तो गड्ढा हो रहा है, मिट्टी भरो, तो रिकरिंग उसमें मेहनत का काम था। और बाड़े में गोबर ईंट बिछाने से क्या हुआ कि अब आराम से तो उड़ जाता है, ट्रैक्टर के माध्यम से उड़ जाता है, पहले भी मैन पावर के माध्यम से उठाना पड़ रहा था एक एक जगह पे जाकर, तो ट्रैक्टर आता है अपना, जैसे हल हल किसान में हल देखते हैं तो ऐसे पीछे एक चाटी बोलते हैं जिसको प्लेन वो रहता है। अच्छा। उससे लगा के हम लोग उठा देते हैं, उठा देते हैं। तो पहला सबसे पहला स्टेप वही रहा कि कैसे सभी बाड़ों के ब्रिक फ्लोरिंग की जाए। आज भी 80% बाड़ों में ब्रिक फ्लोरिंग हो गई है। उससे सेकंड फायदा ये होता है कि बरसात के सीजन में ऑटोमेटिकली पानी के प्रेशर से जितने भी गोबर है सब बह जाता है, बह जाता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या बरसात के सीजन की होती थी कि बरसात के सीजन में अगर आप मिट्टी का बाड़ा है वहाँ गोबर पड़ा है तो एक्युमुलेट हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, तो उससे भी रिलैक्सेशन नहीं। जैसे आप लोग 2016 में आप लोग आए और जैसे गोबर की समस्या आप लोगों ने बताया, हम लोग फ्लोरिंग कराए, तो जो पहले गोवंश जैसे बरसात के दिनों में मिट्टी भी आना, गोबर भी हो जाना, धस के कई गोवंश मर जाती थी, तो फिर बाद में धीरे धीरे मतलब 2016 से 17 की बात कर रहे हैं तो गोवंश का जो रेशो वो कितना कम होता गया धीरे धीरे, कैसे कम हुआ? तो इनिशियली जब हम लोग आए थे तो उस समय के नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 18% गोवंश की डेथ होते हो जाती थी यहाँ पे, जितनी गोवंश बाहर से आती हैं अगर 100 में से माना जाए तो 18 गोवंश 18 के यहाँ डेथ हो जाती थी। अभी वो जो डेथ रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 11 से 12%। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो डेथ का कारण है, जैसे हम लोग ने अपना टॉक स्टार्ट करते हुए इसको गौशाला बोला, तो ये एक पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पे आज भी वर्तमान में 120 से 130 गौ माताएं बाहर से नगर निगम की गाड़ियों से आती हैं हर रोज। हाँ, नगर निगम का जो पिंजरा हम लोग बोलते हैं उसके गाड़ियों से आती हैं। उस 120-130 जो गौ माताएं आती हैं उसमें से 60-70 गौ माताएं जो ऐसे होती हैं जो एक्सीडेंटल है। अच्छा। या वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो डायरेक्ट आके इंसेंटिव केयर यूनिट जो हमारा है, काउ केयर यूनिट जो है, वहाँ पे जाके उनकी सेवाएं होती हैं। तो वो जो गौ माताएं आती हैं वो बहुत दुर्भाग्य से बोलना पड़ रहा है कि वो मान के चलिए आज नहीं तो 10-15 दिन में उनका शरीर पूरा ही होगा यहाँ पे, वो बस यहाँ पे शहर में शरीर पूरा हो उससे अच्छा उनका शरीर यहाँ पे आके वो अपना पुनर्वास केंद्र पूरा हो रहा है। उसके पीछे का जो हम कारण बता सकते हैं कि समय के साथ साथ जैसे हमारा इंडिया अब ग्रोथ कर रहा है, हम सब लोग अपने अपने उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, तो अभी एनिमल केयर यूनिट जो है, जो एनिमल फर्स्ट एड है, उसको भी हमको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि ऑन द स्पॉट हम एनिमल को कैसे फर्स्ट एड इतना दे दें कि उसको जो भी इन्फेक्शन है या जो भी उसका माइनर एक्सीडेंट है या जो भी उसके साथ हादसा हुआ है वो तुरंत ऐसे रिकवर कंडीशन में आ जाए, जब उसको फुल केयर मिला है तब तक वो रिकवरी में रहे। आप हमें बताएं कि जैसे कि मैंने कॉल किया नगर निगम में या आपके यहाँ पे हमने कॉल किया, कुछ दुर्घटना हो गई गौ माता के साथ रोड पे, तो हम लोग जो गाड़ी आती है आपके, तो उसमें क्या डॉक्टर्स भी होते हैं क्या? मतलब उसमें क्या कमी है आज भी कि जो मतलब अगर रोड से और आपके यहाँ पे आने में हिंगोलिया में जो समय लगता है, कई तो वहीं पे मर जाती होंगी गौ माता? हाँ बिल्कुल, कई मर जाती है प्रतिदिन। आज भी शहर से 20-25-30 गाय डेथ एनिमल्स भी आते हैं। तो उसमें क्या आप लोगों को कमी लगती है, क्या आप लोगों को और करना है उसमें? प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हम लोग निगम के साथ निरंतर टच में रहते हैं, तो प्रशासन की तरफ से उसमें बहुत मेहनत की जा रही है। जो सबसे बड़ा बोला जाए कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, केवल प्रशासन के भरोसे कोई एक चीज़ बदल में बदलाव नहीं ला सकते। अभी हो क्या रहा है, जिस प्रकार से शहर में प्रतिदिन गोवंश आ रहे हैं, जो हमारे किसान भाई लोग हैं या जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं,
तो किसान भाई लोग अगर गाय छोड़ते हैं तो ज़्यादातर वो जो मेल मेल गोवंश हैं, बुल्स हैं, बैल हैं, बछड़े हैं छोटे छोटे, उनको छोड़ देते हैं, या कोई ऐसी गौ माता जो गाय दूध देना छोड़ दी है, या उनको कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसमें उनका बहुत बड़ा इलाज की ज़रूरत है, तो इलाज नहीं करा सकता वो किसान। और जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं वो तो जब गाय को दूध को जो डेयरी फार्मर्स हैं या जो डेयरी डेयरी संचालन करने वाले हैं वो तो गायों को केवल दूध उत्पादन, क्योंकि उन्होंने बिजनेस रिसोर्स के हिसाब से गायों को रखा हुआ है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो अभी शहर में हो क्या रहा है कि हमारा जयपुर नगर निगम शहर इतना बड़ा होता जा रहा है और गोवंश की संख्या शहर में ज़्यादा होती जा रही है, तो रिसोर्स के हिसाब से देखा जाए समय के साथ साथ जो हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि जो वैन्स है पिकअप करने वाले जिनको हम पिंजरा बोलते हैं उसकी संख्या भी बढ़ाई जाए, और दूसरी बात क्या है कि वो बड़ी गाड़ियाँ होती, गाय कोई छोटी गाड़ी तो है, छोटा जानवर तो है ना कि कहीं से फंस जाए, तो बड़ी गाड़ी को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में, जैसे हमारे एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस के लिए तो ह्यूमन बींग के जो एम्बुलेंस है तो उसमें लोगों के अंदर एक भावना ऐसी है कि एम्बुलेंस देखते रास्ता छोड़ देता है, और वो एम्बुलेंस भी जैसे टाटा का टेम्पो ट्रैवलर है इसमें आते, तो ऐसे हैं कि वो कहीं भी कैसे फास्ट मूव जाते हैं, जो जो गोवंश की गाड़ियां जो पिंजरा है वो एक तरह से ट्रक टाइप का है, तो वो सब जगह जा भी नहीं सकता, उसको सब जगह जाने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है, इस वजह से समय पे वहां तक पहुंचा नहीं जा पा रहा है। आप सब जगह की बात कर रहे हैं, जैसे अपने जयपुर शहर में भी कई छोटी छोटी गलियां होती हैं जहां पे गोवंश मिलते हैं, तो उनको निकाल के लाना, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ बीमार हो गए उनको निकाल के बाहर मेन रोड तक लाना, वो कैसे फिर तो पहले वो लोग क्या करते हैं कि जहां तक गाड़ी अप्रोचेबल जगह पे पहुंच जाती है वहां पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे जाने के बाद जो भी उस गाड़ी के साथ जो भी गौसेवक हैं, जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, LSA जिनको लाइफ स्टॉक मैनेजर असिस्टेंट है, वो जगह पे जाते हैं, गाय को देते हैं, अगर वो गाय चल फिर के आ सकती है तो चल फिर के लाते हैं, अगर वो गाय चल फिर के नहीं आ सकती है तो उनके पास एक छोटा सा पैलेट है उसमें बैठा के फिर अच्छा, उसको वहाँ तक लाते हैं, फिर वो उसमें चढ़ाते हैं, तो फर्स्ट एड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जिस तरह आप देखेंगे आज अपने जयपुर शहर में जगह जगह पे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अगर आप गोवंश की बात करेंगे या और भी ऐसे एनिमल्स की बात करेंगे वो जगह जगह पे नहीं है, वो एक लिमिटेड एरिया में, एक कहीं आउटर एरिया में, तो वहाँ पे अगर पिकअप कर लिया तो वहाँ तक लाने में उसको 2-2.5 घंटे लग जाता है। और अभी आपने जैसे बात कही गोवंश के, जैसा कि अभी कुछ 2 साल पहले लंपी वायरस की जो बीमारी आई थी, तो इतना जो गोवंश हैं तो उनको आप लोगों ने कैसे केयर किया, लंपी वायरस से कैसे बचाया उस समय में? तो इसके लिए हम लोग बहुत ही भगवान के कृपा से बहुत ही मतलब आशीर्वाद है कि जब लंपी अप्रैल मई में जब सब जगह डिस्क्लोज हुई थी, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया पहले भी, यहाँ पे पशुपालन विभाग के 24 डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक मतलब स्टाफ शिफ्ट वाइज यहाँ पे गायों की देखभाल करने के लिए रहते हैं। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट की कि समय पे गायों को चारा पानी मिल जाए और समय पे साफ सफाई हो जाए। डॉक्टर्स की जो जिम्मेदारी है वो हमको समय समय पे गाइड करते रहते हैं किस मौसम में कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो चारा पानी में कैसा क्या सुधार, मौसम के परिवर्तन के हिसाब से चारा पानी। तो दिसंबर लंपी जब आया तो उससे 4-5 महीने पहले ही हमारे यहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने, और उन्होंने तुरंत उसका जो वैक्सीनेशन था हैदराबाद से वो सब हम लोगों ने मंगाया। अच्छा। पहले हम लोगों ने अप्रोच किया डॉक्टर्स से कि भैया, क्योंकि कॉस्टली वैक्सीनेशन था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसमें टाइम लग सकता है अगर आप सिस्टम में प्रोसेस से चलेंगे, और हम लोग इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट खुद डिसीजन ले सकते हैं, गवर्नमेंट बॉडी में एक डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है, तो हम लोगों ने तुरंत वैक्सीनेशन मंगाया और पहले ही हमारे यहाँ पे 50% का उसको वैक्सीनेशन हो गया। और उस समय जैसे ही गाय आने वाली, नई गाय आने वाली, तो उसके लिए हमारे यहाँ SOP बना दी गई कि अब जो नई गाय आएगी वो जनरल वार्ड से मिलेंगी नहीं। तो पूरा एक अलग ओपन एरिया रखा गया, उसमें से जो डॉक्टर्स बोलते थे हाँ ये गाय ठीक है उसको ही आप जनरल उसमें लेके जाइए। और जो गाय आई जो जिनकी लंपी हुई उनको फिर बाद में कैसे, तो जब लंपी फैला जयपुर शहर में, लंपी अच्छा खासा फैला, तो लंपी के प्रतिदिन 15-20 गौ माता यहाँ आने लगी, तो हम लोगों ने जिस तरह अपना ये जब कोविड आया था तो कोविड में पूरा एक ऐसा वार्ड बनाया गया था ना कि आइसोलेशन वार्ड जिसे बोलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे कि जब भी कोई शहर से गाय आएगी पहले वो इधर रहेगी, फिर एक दिन बाद इधर रहेगी, जब डॉक्टर्स उसको ग्रीन सिग्नल दे देगा कि ये जनरल उसमें जा सकती है, तभी उसको वहाँ से लेके जाते थे। और यहाँ पे आती थी जो वो क्लोरिनेशन होता था, वो स्प्रे होता था कि वो फैले ना, हम लोग उनके ऊपर स्प्रे करते थे कि उनका जो भी वो उनका जो फैलता है एयर में, एयर के थ्रू जो फैलता है वो सब ना फैले, उन सब चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। तो अब आने वाले समय में आप लोग क्या क्या प्रोजेक्ट्स और लेके आ रहे हैं कि गायों माता के लिए, कि जैसे
कुछ नई चीजें क्या करना चाह रहे हैं। और जैसे कि अगर मैं बात भी करूं तो इतनी 18,000 जो आप बता रहे हैं गौ वंश है यहाँ पे, तो उनको पानी की जो समस्याएं आती है कैसे ये पानी की पूर्ति होती होगी? तो समय के साथ साथ जैसे गायों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, 6,000 से आज 18,000 हो गई है, तो हम लोगों को तो आने वाले समय में बहुत कुछ करना है कि जो गायों के रहने का एरिया है, शेल्टर जो एरिया है वो बढ़ाना है। साथ साथ उसके लिए भी हम लोग जयपुर शहर से और भी सब भामाशाहों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ के आएँ और हमको यहाँ पे शेल्टर बनाने के लिए जो सहयोग चाहिए वो सहयोग भी करें। पहले ही हम लोग आने वाले समय में जो सबसे मेजर है कि पानी का, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी वर्तमान में जब हम लोग 2016 में आए थे तो यहाँ पे 27 बोरवेल्स काम कर रहे थे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे 43 बोरवेल्स थे और 27 में से आज यहाँ पे कल 14 बोरवेल्स काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे का कारण है कि बोरवेल सूखते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं और जमीन का पानी और नीचे जाता जा रहा है। एक गाय को अगर हेल्दी गाय है जो उसको एक दिन में 40 से 45 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप देखिए यहाँ पे 18,000 गए तो कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने एक इस ईयर का जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 आ रहा है, उस 24-25 में हम लोग लोगों के सहयोग से और अपने खुद मेहनत से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं कि आपने देखा है कि यहाँ जितने भी गायों के बाड़े हैं सब में शेड लगे हुए हैं, तो वो जितने भी बाड़ों का शेड का जो पानी है उसको कहीं ना कहीं एक जगह एक्यूमुलेट किया जा सके और या तो उस पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए या उस पानी को वापस रिट्रीट करके स्टोर करके वापस रिट्रीट करके गायों के लिए पीने में काम है। तो एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 3 से 4 महीने का पानी हम लोग वर्तमान की गायों के 16,000 जब गौ माता थी तब हम लोग ने ऐसा कुछ वर्किंग किया था, 3 से 4 महीने का पानी हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या तो उसको अर्थ को रिचार्ज कर देंगे या उसको ज़्यादातर हम लोग रिचार्ज फैसिलिटीज में जाएंगे क्योंकि जो जितना लिया है उतना वापस ट्रीट करने वाला प्रोसेस वो बहुत कॉस्टली अफेयर है। पहले पानी को आपको उतना स्टोर करने के लिए टैंक बनाना पड़ेगा, फिर उसको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, रिचार्ज करने वाला कॉस्टली अफेयर, थोड़ा उससे चीपर है कि वो वापस अर्थ में चला जाएगा और किसी न किसी अर्थ के कैनाल में बोरवेल कैनाल से जुड़ के फिर पानी वहाँ से मिलता रहेगा। ये थे हमारे साथ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।